वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हमने चर्चा की है, कलेक्टरों से भी हमने बात की है, कमिश्नरों से भी बात की है, विभाग के अधिकारियों से भी बात की है। दूसरा, हम चिरायू हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ भी हमने जो पेशेंट एडमिट हैं उन लोगों से, कुछ पत्रकार साथी हैं उनसे भी बात की, प्रवीण पाठक जो विधायक हैं ग्वालियर के उनसे भी बात की, और जो सामान्य हमारे और भी नागरिक हैं उन सब लोगों से भी बातचीत की, और पूरी विभागीय समीक्षा की जा रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी जो दिक्कतें हैं, जैसे ग्वालियर में थोड़े केस बढ़ रहे हैं हमारे, मुरैना में केस बढ़ रहे हैं, जबलपुर में बढ़ रहे हैं, इंदौर में बढ़ रहे हैं, सब जगह लगातार पूरा बातचीत चल रही है, और वहाँ पर लोकल लेवल पर जो हमारी समिति है लोकल लेवल पर, वो भी लगातार मीटिंग्स कर रही है। जैसे आपके ग्वालियर में है वहाँ की, वहाँ पर भी उन्होंने, वहाँ पर कहने चाहिए कि मैं ये कहूँ कि उन्होंने कर्फ्यू वहाँ पर लागू किया है, जिससे, और मैं ख़ास तौर से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ आम नागरिकों से, कि ये कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण के लिए आम नागरिकों को से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोगों के लिए फेस कवर लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हाथ बराबर साबुन से धोते रहना है, और हाथों को मुंह से, नाक से, आंख से ना लगाएं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले हाथ साबुन से धोएं और या सैनिटाइज करें, उसके बाद ही करें, क्योंकि जागरूकता करना, लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना, और जो हमारा कांटेक्ट है उसको रोकना हमें बहुत आवश्यक है। सर, आज से लोकल अभियान 15 तारीख तक चलाया गया था, जिसमें मतलब लगभग हमारे 95% कल तक की रिपोर्ट जो आई थी, आज की रिपोर्ट भी मैं अभी प्राप्त कर लूँगा, जिसमें लगभग 7 कल तक की रिपोर्ट में 7 करोड़ जो हमारी आबादी थी उसको हम लोगों ने कवर किया गया था, और उसमें 85,000 के टेस्ट हम लोगों ने उसमें किए गए। तो लगातार चाहे हमारा किल कोरोना अभियान के अंतर्गत है, केस को आइडेंटिफाइड करने के लिए भी पूरी मतलब पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, उसका अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग कुछ बताने नहीं पाते, जैसे मेडिकल स्टोर हैं उनको भी सब लोगों से बोला गया कि अगर कोई भी पेशेंट खांसी का, सर्दी का, जुखाम का कोई आता है तो उसको आप सीधे अस्पताल भेजने के लिए उसका कोई एडवाइस करें। जो हमारे फीवर क्लिनिक हैं वहाँ पर भी जो केस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाइड करें। आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी कोई तकलीफ होती है तो वो सीधे अस्पताल पहुंचें, सीधे अपने को बताएं, चाहे सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे फीवर हो, ये सब चीज़ें अगर जल्दी हम लोग बताएंगे तो उसका जो रिकवरी होती है बहुत जल्दी हो जाती है और ज़्यादा सीरियसनेस नहीं बढ़ती।